रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और यह शुभ मुहूर्त में बांधा जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इस बार भद्रा काल का भी साया मंडरा रहा है। इसलिए आपको राखी बांधना कब शुभ होगा, किस समय पे आप बांधें, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया रहने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा, यह खास जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर शुरू होगी। दोस्तों, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर होगा। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ में भद्रा भी लग जाएगी। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा का समापन 30 अगस्त को रात के 9:01 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा बिना भद्रा काल में मनाना शुभ होता है। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहें तो इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के साथ यानी कि 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। दोस्तों, इसलिए आपको राखी भद्रा में नहीं बांधनी है। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ भद्रा भी लग जाएगा। भद्रा में राखी बांधना शुभ माना नहीं जाता है। तो भद्रा का समापन 30 अगस्त को रात में 9:01 पर होगा। तो राखी आप कब बांधें, आइए बताते हैं आपको। 30 अगस्त की रात 9:03 से शुरू होकर 31 अगस्त सुबह 7:07 तक आप राखी बांध सकते हैं। 30 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन में नहीं है। दोस्तों, इसलिए आप रात में 9 के बाद राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा आप 31 तारीख को सुबह 7:07 तक राखी बांध सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं क्या होता है भद्रा काल, भद्रा का क्या महत्व है, किस लिए हमें भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाता है।